એલબીટી જીએસટી પ્રક્રિયા જટિલતા જીએસટી પેનાલ્ટી કોરોના વાયરસ આર્થિક મંદી આદિ વિષયો કો લેકર નાગ વિદર્ભ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કી ઓર સે હોલી દહન 2020 કા કાર્યક્રમ લિયા ગયા. ઇસ મોકે પર બડી સંખ્યા મે વ્યાપારી મૌજૂદ થે. એલબીટી જીએસટી પ્રક્રિયા જટિલતા જીએસટી પેનાલ્ટી કોરોના વાયરસ આર્થિક મંદી આદિ વિષયો કો લેકર નાગ વિદર્ભ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કી ઓર સે હોલી દહન 2020 કા કાર્યક્રમ લિયા ગયા. हर वर्ष नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व्यापारी अलग अलग विषयों को लेकर होली दहन करते रहते हैं. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 18 जून 1944 में सेठ गोपाल दास मोता इनके हाथों हुई है. उस समय में होली दहन में खासतौर पर अंग्रेज सरकार के नाजायज करों को लेकर से स्वतंत्रता का परचम ऐसे कई मुद्दों को लेकर उस दौर में इन विषयों को लेकर होली दहन हुआ करता था. समय बदलता गया, वक्त बदलता गया और विषय भी बदलते गए. इस बार विश्व मंदी का दौर कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है, जिससे देश का आयात निर्यात में असर दिखाई दे रहा है. कोरोना वायरस में अंकुश पाए और कोरोना का खतरा टल जाए, बाजारों में जो शॉर्टेज वस्तुएं हैं उसकी पूर्तता हो और पूरा भारतवर्ष कोरोना नाम के वायरस से मुक्त हो, इस प्रकार की ढेर सारी होली मिलन की शुभकामनाएं देशवासियों को एनबीसीसी के तमाम अधिकारी और पदाधिकारियों ने दी है. दर्शकों नमस्कार, इस समय में एनबीसीसी की टीम होली 2020 में आई हुई है एनबीसीसी में. जी, शहर का नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में इस परिसर में एनबीसीसी की टीम है. हम आपको आज बता दें कि होली किस प्रकार का यहाँ पे दहन किया गया है, होली दहन में कितने व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो होली दहन ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है. तो आप देख सकते हैं कि ये वही एनबीसीसी की होली है जहाँ पे इस होली का दहन किया गया है और इसके अंदर में कुछ विषय दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज, LBT, GST, कोरोना वायरस, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज यहाँ पे ये होली का दहन किया गया है. आप थोड़ा सा ऐसे देखिए किस तरह से यहाँ पे है, बैंकिंग प्रक्रिया की क्या अड़चने आती है उसके बारे में भी इन्होंने ये बताया गया है. तो इस प्रकार की ये जो होली अपने आप में कर, ये तमाम व्यापारी लोग आज यहाँ पे जिन्होंने नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज इस होली का दहन किया गया है. हम आपको बता दें कि 1944 में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो स्थापना हुई थी उस समय में जो था स्वतंत्रता को लेकर अंग्रेजों का जो जुल्म होता था उस विषय को लेकर इसी प्रकार की होलियां तब जलती थी. समय बदलते गया और कामकाज बदलते गया और उसी के चलते आज के इस दौर में LBT, GST, कोरोना वायरस ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज की यह यानी 2020 की नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यह होली का दहन यहाँ पे किया गया है. तो होली का दहन यहाँ पे NVCC के तरफ से किया गया है. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया LBT, GST और कोरोना वायरस का ये विषय यहाँ पे लगे हुए थे, इनको लेके NVCC के तमाम पदाधिकारी और अधिकारियों ने ये होली का दहन यहाँ पे किया गया. इस समय हमारे साथ में BC भरतिया साहब, गांधी साहब और ये तमाम ऐसे महानुभाव यहाँ पे मौजूद है, ये उनसे जानना चाहेंगे. भरतिया साहब, ये बताएं कि हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष की जो होली है क्या विषय रखे गए थे और क्या कहना चाहोगे? नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से व्यापार, व्यापारी से संबंधित और सामाजिक विषयों को समाप्त करने के लिए उसका दहन आज के दिन करता है. आज हम कोरोना वायरस से परेशान हैं, उसका दहन किया गया. आर्थिक मंदी जो चल रही है उसका दहन किया गया. बैंकों से जो व्यापारी परेशान है उसका दहन किया गया. और इसके साथ ही साथ जो GST में इंटरेस्ट और पेनल्टी की मार व्यापारी खा रहा है उसका भी दहन किया गया है. कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहोगे? कोरोना वायरस चाइना की तरफ से हमारे व्यापार को एक और धक्का है. कोरोना वायरस के डर से सारे बाजार आज सुनसान पड़े हैं, लोग भीड़ में आना नहीं चाहते और करोड़ों रुपए का हमें आर्थिक नुकसान हुआ है. माल हमारा पूरा घर में पड़ा हुआ है, जो बिक जाना था वो बिका नहीं, मार्केट से ग्राहक गायब हो गए हैं और ऊपर से यस बैंक की जो मार पड़ी है तो ये करेला नीमचड़ा हो गया है, व्यापारी बहुत त्रस्त है. गांधी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस होली को लेके, क्या लोगों को मार्गदर्शन करोगे? मेरा एक ही कहना है कि पिछले कुछ सालों से
जो ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, कम से कम हमारी उम्मीद है कि आने वाले साल वो दौर कम हो मंदी का, व्यापारियों को एक अच्छे दिन के आए, जिसकी व्यापारी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, व्यापारी इस देश की रीढ़ है, देश के इकोनॉमी की। व्यापारी अगर मजबूत होगा, व्यापारी अगर सशक्त होगा, तो ऑटोमेटिक देश का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा मजबूत होगा। तो इसी कामना के साथ हम होली माता को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल हमारे देश के व्यापार और व्यापारी के लिए एक अच्छा संदेश लेके आए। सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे देशवासियों को जो है होली की बधाई देना चाहता हूँ। एक भाईचारगी और एक एकता के लिए जो हम लोग जो है होली मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम व्यापारी लोग हैं, हमने आपने देखा ही होगा कि हमने जो है कोरोना वायरस का हो गया और अपनी GST और बहुत सी चीज़ों पे हमने यहाँ होली का अध्ययन किया, ताकि हमारी जो परेशानियाँ जो है वो ये होली के अंदर जल जावे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अर्जुन दास आहूजा, वाइस प्रेसिडेंट NVCC। पहले तो होली की सभी को बधाइयाँ। और प्रतिवर्ष हम बुराइयों का दहन करते हैं, चैम्बर में व्यापारियों के माध्यम से बुराइयों का दहन करते हैं। और इस बार जो सबसे बड़ी बीमारी है कोरोना, उसकी हमने होली जलाई है। GST में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी होली जलाई है। आर्थिक मंदी जो पूरे देश में है उसकी होली जलाई है। और बैंकिंग प्रणाली जो है उसमें भी बहुत सी व्यापारियों को अड़चने आ रही है, उसकी होली जलाई है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन सारी तकलीफों से हमें निजात मिले और होली का कलर हो सके तो अगले साल हम अच्छे से खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। होली में हर समय ये होली त्यौहार ही बुराइयों को जलाने का और अच्छाइयों को निखर के आने का त्यौहार ही है। तो इसके अंदर कोरोना वायरस है, मंदी है, ये इसकी होली आज यहाँ नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में जलाई गई है। और आने वाला समय व्यापार के लिए अच्छा रहे और व्यापारी सुख समृद्ध रहे, इसकी आशा के साथ ये होली की शुभकामनाएं सबको देते हैं। तो हमने देखा कि 1944 में NVCC की जो स्थापना हुई थी, वहाँ पे जो होली जो जलाई गई थी, उस समय में स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता को लेकर अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम NVCC ने काफ़ी अच्छा समाज का कार्य किया था। वो समय अलग था, आज का समय, आज का दौर कुछ अलग है। इस समय में LBT, GST और कोरोना वायरस को लेकर ये तमाम बातों का दहन आज इस होली के माध्यम से NVCC के तमाम पदाधिकारी और अधिकारियों ने किया है। और एक बात तो तय है कि व्यापारी ये पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर आए दिन व्यापारियों पे जिस तरह से जो हमले हो रहे हैं, फिर LBT को हो, GST को लेके हो या उनके सम्मान को लेके हो, इसकी रोकथाम कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि व्यापारी और देश का किसान, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे पार्ट है जिससे पूरे दुनिया का कारोबार चलता है। NVCC प्रांगण से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज नागपुर।